गलियों में कैसे वो लग रखा है अंबार, कूड़ों का गली गली में, रस्ते रस्ते पे पड़ा हुआ है निरा। पहले झाड़ू लगती थी एमसीडी में जब बीजेपी थी। विपक्ष का कोई आदमी चोर होता है और बीजेपी शामिल हो जाता है तो बासी मछली धुल जाता है। अभी तो और भी जाएंगे, इन्हें पता पहले से कहने लगे हैं, अभी तो ये भी जाएंगे, वे भी जाएंगे। मोदी ने तो कह के रखा था कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है। अभी के टाइम में कोई भी गरीबी जा रहा है तो कौन उसको 5 लाख रुपए का इलाज कोई कर रहा है। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है और मैं नसीब खान लेकर आया हूँ प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। मैं आज दिल्ली के अलग अलग मोहल्ले अलग अलग गली में पहुँचा हूँ। मैंने अभी इस समय मौजूद हूँ मैं संगम विहार में और ये बत्रा की पार्क है, यहाँ मौजूद हूँ। मैंने यहाँ लोगों से जाना है कि क्या है उनकी तैयारियाँ और किसको बनाना चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। 25 तारीख को इलेक्शन है, बहुत नज़दीक आ गए। हम दिल्ली के हर गली मोहल्ले में हम जनता की ओपिनियन जान रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। भैया पानी की समस्या हमारे यहाँ तो ज़्यादा पानी की है, और तो इतनी नहीं है। वैसे समस्या तो बहुत है पर पानी की समस्या ऐसे बताइए समस्याएं, वही हम आपकी समस्या सरकार तक। पानी आता है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी पूरा नहीं आता है। हाँ, कहीं गलियां टूट नालियां टूट रही हैं, कोई सफाई करने नहीं आता है, कोई देखने भी नहीं आता है। सड़ रही हैं, बदबू आ रही है, मच्छर खा रहे हैं बच्चे, इनको सोने को नहीं मिल रहा। मदन क्या नाम से हमारे यहाँ जो इतनी समस्या पानी की जो कि बहुत ज़्यादा, मोटर लगा रखी है लोगों ने, मोटर से वो पानी नहीं आ रहा है। आपके घर में पहुंच रहा है, मेरे में नहीं पहुंच रहा, मेरे में पहुंच रहा है, इनके में नहीं पहुंच रहा है। हाथ जोड़ते डोले भैया तू बंद कर दे, भैया तू बंद कर दे। मैन समस्या पानी की है। तो आप चाहते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए जो समस्याएं ख़त्म करे, या जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई हमें ये अच्छा लगता है ये हमें बात सुन। हमने दिनेश मोनिया को दिल खोल के वोट दिया था, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूं तो 6 महीना में मेरी को मैं इस्तीफा दे दूंगा। 6 महीने जोड़ बाबू 6 साल हो गई, आज तक तो वो देखने नहीं आया। अब किसको कहें कौन, सभी ऐसे ही हैं। वो यहाँ कह जाएंगे कि हम तुम्हारी ये सुनेंगे, यहाँ तुम्हारी ये सुनेंगे, बाद में सब। बहुत तगड़ी टक्कर है इंडिया गठबंधन, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ बीजेपी। बहुत घमासान है, जबरदस्त युद्ध है दिल्ली के अंदर। इसे आप एक तरह से लोग कह रहे हैं त्यौहार मना रहे हैं, तो क्या लगता है? वोट देने तो 85% आदमी जाते तो घमासान कहाँ से होगा। देश की सरकार आएगी, जो ज़्यादा जोर होगा वही आ जाएगा। बीजेपी एक तरफ कह रही है अब की बार 400 पार का नारा है। अब वो तो कहेंगे ही अपनी तरफ से, तो 400 भी कह देंगे, 500 भी कह देंगे। अब उनके कहने से क्या है, तो जनता तय करेगी कितना आएगा कितना नहीं आएगी। और हम पूछते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, हम सबकी राय जानना चाहते हैं, सबसे पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू नागर। अच्छा नागर साहब, एक बार बताइए, इलेक्शन में बहुत नज़दीक आए, दूर नहीं है, बहुत तगड़ा घमासान है, लोग इसको दिल्ली की जनता एक त्यौहार पर्व के तरह मान रही है, कि किसको आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री रूप में और क्या मुद्दे हैं, किस चीज़ से? मुद्दे तो बहुत है सर। क्या? एक जैसे पानी का है, रोजगार, बेरोजगार जनता घूम रही है, कहीं काम धंधा नहीं है। ये मोदी साहब ने झूठ बोला है, झूठ बोल के आए हैं, जिनका काम झूठ बोलने का और कुछ नहीं है, झूठ बोल के आए कि 15 लाख रुपए इनके खाते में आएंगे, इनको इतने 2 करोड़ नौकरी देंगे, इनको रोजगार देंगे, इनको कुछ भी नहीं मिला किसी को बेचारे भूखे मरे, कोरोना में 15 लाखों आदमी मर गया। झूठ बोल के जाए और झूठी बोल के चले जाएंगे, बस आन का बस सब इनकी 400 बदलाव होने वाला है। बदलाव होने वाला है, हाँ सच बदलाव होने का। अपने ओपिनियन में किसको देखना चाहोगे? देखो हमने तो शुरू से कांग्रेस को देखा, कांग्रेस शीला दीक्षित ने राज किया 15 साल, उसने दिल्ली चमका दी थी और यहाँ इस पुल पर लटकाए थे हमने, इस पार्क में लटकाए थे बदमाश और डकैत हमने लटकाए थे यहाँ पार्क में, और यहाँ शीला दीक्षित ने पूरा रोड पुल जगह जगह बनवाए थे, पूरा नक्शा चेंज कर दिया था शीला दीक्षित ने, इतना काम किसी ने नहीं करा आज की डेट में। सुषमा स्वराज 5 साल रही थी, प्याज 100 रुपये तक पहुँच गई थी, जब सुषमा स्वराज शीला दीक्षित आई थी, जब शीला दीक्षित ने कम करी थी। आपकी नज़र में कांग्रेस देखना चाहते हैं? कांग्रेस ने जो दिया है जिन्हें सब खो लिया, मुझे एक बता दो, जिन्हें यहाँ बीजेपी वालों ने कहीं स्कूल बनवाया, कहीं हॉस्पिटल बनवाया, कोई चीज़ बनवाए तो बताओ, जो ये सब देन कांग्रेस की है जो बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी ने भी जैसे अभी राशन कार्ड भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है लोगों को, जनता को राशन सर जी अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा है, जनता का है, अपनी जेब से धरें, ये तो 15 लाख रुपये दे रहे थे क्यों नहीं दिए, अपनी जेब से धरें, कोई नहीं धरा, ये जनता का है, ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है किसी दम पे, जनता ही दम पे पावर पे जीत रही है जनता। देखिए और भी यहाँ मौजूद हैं, कोई कांग्रेस को कहता है और कोई बीजेपी को कहता है। दिल्ली में तो सब सही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, सब मलाइका ही है,
कुछ सरकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकार जनता से वादे करती है लेकिन पूरे नहीं कर पाती है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कोई वादे अधूरे हों जो सरकार ने? अब वादे तो कोई का पूरे नहीं किए हैं, कोई वादे मतलब जो कर जाते हैं कि ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, जब वोटिंग का वो आता है तब तो सब सब लोग कह देते हैं कि ये करवा दूंगा, लेकिन मतलब सारी समस्या है इसमें जो संगम विहार में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, ये मान लो इतना परेशान है पानी में, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा, ये पानी की समस्या मतलब दूर ही नहीं हो रही है ये मान लो। और दूसरी बात ये है कि ना तो कोई मतलब जो ये करवा देंगे, ये थोड़ा सा ये तो कर दिया है जैसे काश्तकारों को थोड़ा सा मतलब है ये 2000 का प्रति का मतलब वो कर दिया है, यही मतलब थोड़ा वो कर दिया है और कुछ नहीं किया है। राहुल गांधी ने अभी ये कहा है दिल्ली में, अगर मैं मेरी सरकार होती है तो मैं 1,00,000 रुपये पर ईयर महिलाओं को दूंगा, यानी लगभग 8,500 महीना। नहीं ये तो बोलते हैं पर देते नहीं हैं, बोलते हैं लेकिन करवाते कुछ नहीं है। यूँ तो मतलब एक जब इलेक्शन आते हैं तब तो मतलब सब लोग बोल देते हैं पर लेकिन कुछ नहीं कोई करवाता है ये मान लो। और दूसरी बात यह है कि मतलब फिर अब ये मथुरा ज़िले में जो एक हेमा मालिनी को निकालते हैं हर पंचवर्षीय में, और बीजेपी की मतलब बहुत वोटिंग बढ़ती है लेकिन वो सूरत नहीं दिखाती हैं, और वो नेताओं से भी मतलब एक वो एलर्जी करती हैं लेकिन मतलब फिर भी मतलब एक अब की इस पंचवर्षीय में भी मतलब बहुत वोट पड़ा है हेमा मालिनी का, यानी मतलब एक बटका कांग्रेस का पड़ा है, 2 बटका मतलब बीजेपी का पड़ा है। और जानते हैं हम यहाँ से जनता से और ओपिनियन में और लेते हैं जनता की मशवरा, जनता की राय लेते हैं। नाम क्या है? अशोक कुमार पांडे। अच्छा बताइए क्या कर रहे हो? हाँ ये देखिए आप गलियों में कैसे वो लग रखा है अंबार, कूड़ों का गली गली में रस्ते रस्ते पे पड़ा हुआ है निरा। पहले झाड़ू लगती थी MCD में जब बीजेपी थी, अभी जो है आप पार्टी का आया है MCD में। इधर आइए, फिर घमासान हो रहा है अभी, और हम सुनाना चाहते हैं और हम पूछते हैं। हाँ हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कहाँ बना देगा उसे, अकेला क्या कर लेगा तू? इतने आदमी पर हाथ उठवा ले, अगर तेरे कितने समर्थक हैं बता दे चल, फिर अकेला कहाँ जिता लेगा? जीतना तो मोदी को ही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, घमासान युद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं अभी मौजूद था संगम विहार में, यहाँ पर मैंने जनता की राय जानी ओपिनियन में आकर के। तो यहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ बीजेपी के समर्थन, जो घमासान युद्ध के रूप में तब्दील हो चुका है। हम फिर बात करते हैं। हम यूपी से बिलोंग करता हूँ, आप ये बताइए मुझे, आप पूरी इंडिया के अंदर, इंडिया का सर्वे करा रहा हूँ पूरी इंडिया का मैं आपको। अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए आप, अरे सुन तो हम भी तो यूपी के। सर जी दिल्ली में लगभग 65-70% लोग बाहर से आए हुए हैं। 8 रुपए यूनिट यहाँ मिल रही है आपको, आप यूपी में बताओ क्या यूनिट मिल रही है आपको? यूपी में क्या यूनिट मिल रही है आपको? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? योगी के डर से दिल्ली में भाग गया है वहाँ से। अब एक काम कर, तू एक तो फुर्सत में बैठ जा, मुझे सारे काम लिख के दे, एक बार बता दूं क्या रुपए यूनिट मिल रही है। मैं तो प्रूफ दूंगा ना आपको, मैं बताऊं क्या यूनिट मिल रही है आप बताइए। सबसे ज्यादा महंगी लाइट आपकी यूपी के अंदर है, कितने राज्य हमारे देश के अंदर बताइए आप पहले, और कितने राज्यों में किसके राज्य लाइट बिल वहाँ चल रहा है, कितना है चल रहा है बताइए मुझे आप। काम नहीं देख रहे हो, काम बताओ क्या है पहले। कितने एक्सप्रेसवे बने यूपी के अंदर, बने सबसे ज्यादा बड़े बड़े कहाँ पर ये देख, रोड पे पानी नहीं देखते हो आप? यूपी में 6,000 रुपए मिलते, यूपी में 6,000 रुपए मिलते एक मजदूर के लिए, या 14,000 रुपए सर्कल है आपका, पता है कुछ आपको? यूपी में 6,000 रुपए मिलते योगी ने। अरे मेरी बात तो सुन लो, योगी ने 10 साल में काया बदल दिया। ऐसा मेरे बताइए, यूपी में 6,000 रुपए मिलते एक मजदूर आदमी के लिए काम करने के लिए, और यहाँ मिलते 14,000 रुपए, पता है कुछ आपको? दिखा दो 14,000 रुपए हमको, 14,000 जो है। अरे बुड्ढे पेंशन बंद कर दी, उनकी पेंशन छीन ली बुड्ढे के। क्या करेंगे आप? 6,000 बच्चे पाल लेगा बच्चा आदमी, क्या अपना वो अपना जीवन चला लेगा? बुला लेना किसको, किसको बुला ले? किसको बुला ले कहाँ पे? आऊंगे भाई, देख तेरे कहने में कोई आने वाला है ना, ना तू किस मेहनत कर ले? अच्छा चाहे तो लिख, चाह फुर्सत में कर ले, या कैसी भी डिबेट कर ले तू भाई, हम तो आना आ रहा भाई, हमारी राह तो यह मोदी आएगा, मोदी आएगा। अगर कोरोना में राहुल गांधी होता ना तो आधी पब्लिक नहीं होती, आधी जनसंख्या खत्म हो गई होती कोरोना में ही, कोरोना में चली गई होती आधी पब्लिक। तो काले दिन कहाँ गए मोदी जी ने? काले दिन तो लेके आए, बाहर भगा दिया उन्होंने। जितने मोदी के समर्थन थे, कोई 15 लाख लेके भाग गया, कोई इतने करोड़ लेके भाग गया, कोई इतने करोड़ लेके भाग गया, वो सब पैसा कहाँ गया सर बताइए मुझे आप? कौन नीरम? 8 आदमी भागे यहाँ से,
मैं कह रहा मोदी के आठ आदमी भागे, मोदी के आदमी यहाँ से आठ आदमी भागे विदेश में, उनको लाइसेंस किसने दे दिया भगाने का, उनको जवाब दे। बोलिए बोलिए। केजरीवाल मुर्दाबाद। केजरीवाल का उद्देश्य सब पता पड़ गई, ये सब चूतियाँ जितने भी कह रहे मैं बनूंगा मैं बनूंगा, और वास्तव में दिमाग इसमें ही है क्यों ये सब पता, आज झूठ बोल जब तक पकड़ा जा, कल तक कौन देख रहा साले को, आज तक कह दो आज की बात माने पब्लिक, तो वास्तव में इनमें समझदार केजरीवाल ही है, चाहे कुछ भी कर रहा घोटाले कर रहा कुछ भी कर रहा, और नंबर भी इसके बाद में आओगे इनका ही, ये तो इतने निमट लेंगे सारी पार्टी, उन्हें तो ये पता ना बनेगा कौन कौन ना बने। लालू गलौंडा तैयार मैं बनूंगा, अखिलेश भी कह रहा मैं बनूंगा, सब तैयार, पर बना तुम दो, बीजेपी ना आ जाओ, उद्देश्य क्या हमें क्या पता, तू देखना क्या उद्देश्य है, हमें तो ये बीजेपी जानी चाहिए या मोदी मार दो साले, बस और उद्देश्य कुछ नहीं इनका, मोदी मर जावे तो हमें लूटने खाने को मिले, पिछले पकड़े ना, यहाँ तीनों लड़ रही हैं, वहाँ केजरीवाल का फूफा है, कांग्रेस जब मिलकर ना लड़ रहे पंजाब में, वहाँ क्यों ना लड़ रहे भाई, पंजाब में क्यों ना लड़ रहे, दिल्ली में गठबंधन की है और एक तरफ बीजेपी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं, तो दिल्ली का ही मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, दिल्ली में एक तरफ बीजेपी हो गई, एक तरफ इंडिया गठबंधन आम आदमी और कांग्रेस है, यहाँ दिल्ली में एक पर्व की तरह जनता कह रही है हमारा ये त्यौहार है, हमें आपके प्रधानमंत्री बनाना है, तो वही मैं पूछना चाहता था आपसे कि 7 सीटों से बन जाएंगे प्रधानमंत्री, पूरे भारत से बनेंगे, बट प्रधानमंत्री के रूप में हम किसको देखना चाहते हैं, दिल्ली कर, नहीं नहीं प्रधानमंत्री तो चुने जाते हैं ना, मैं तो प्रधानमंत्री की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, पंजाब में क्यों ना लड़ रहे कांग्रेस से मिल गए, अब की बार 400 पार करना, बिल्कुल आएगा बिल्कुल 100%, सारे सारे चोर इकट्ठे हो रखे हैं, एक से लड़े जा रहे हैं, 100 चोर मिल गए एक से लड़ाई लड़ रहे हैं, दिखाई नहीं देता पब्लिक को, क्या क्या नाम है आपका, मेरा नाम नरेश है, हाँ हाँ सर से मैं जाना चाहता हूँ, विपक्ष का कोई आदमी चोर होता है और बीजेपी शामिल हो जाता है तो बासी मछली धुल जाता है, वो निर्पक्ष हो जाता है केजरीवाल भेज दो ना फिर, अगर केजरीवाल को इतना पता वॉशिंग मशीन से मैं साफ हो जाऊंगा तो केजरीवाल चला जाए, क्यों जेल में जा रहा है, सर ये बताइए मुझे आप ये कह रहे हो, नहीं अरे सर जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई सब मोदी जी के हाथ में है, एक मिनट सुनो मेरी बात, आप ईडी सीबीआई मोदी जी के हाथ में है तो आज तक 2 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं आप, तो क्यों आपने चार्जशीट दाखिल नहीं करी है ये बता दी मुझे आप पहले, गड्डी मिल रही है ट्रक भर भर के पैसे मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी एक तरफ और एक तरफ आम आदमी पार्टी, घमासान युद्ध यहाँ छिड़ चुका है, आप देखते रहिए किस्सा कुर्सी का, मैं आपको लेकर आया था संगम बिहार में, आप देख रहे हैं घमासान, जनता उद्घोष होने वाली है, जवाब दीजिए मुझे आप, किसी न्यायपालिका ने आज तक केजरीवाल जी को ये तो साबित किया है कि ये चोर है, जवाब दीजिए मुझे आप पहले, आप स्वाति मालीवाल जी पीटी क्यों पीटी पता तुझे है? पता अच्छा, आप बताओ एक सेकंड, तुझे जवाब देने भी ना बोलने दे पहले तो हमें, उससे कही ही संजय सिंह से का इस्तीफा दे दे, क्या नाम वकील का उसका जिसने इसकी जमानत करवाई, मनु सिंधवी, मनु सिंधवी को राज्यसभा से भेजना, संजय ने कही मेरा उदय मुँह यू पकड़ ली स्वाति मालीवाल, नहीं वो तू दे नहीं मैं भी ना दे रही, यू पीट गे रही तू देख क्यों ना रही, हम तो तय करके लाए जमात करवा दे तुझे राज्यसभा से भेजेंगे, अब तू दे जवाब, हाँ क्या कह रहे सर आप, क्या कौन सा जवाब पूछ रहे हैं मुझसे, स्वाति मालीवाल क्यों पीटी, किसने, मनु सिंधवी को राज्यसभा भेज रहे, हाँ यू पीटी, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ब्रजभूषण सिंह जी थे एमएलए मुख्यमंत्री थे यहाँ के, ठीक है, अब वो जब दोषी साबित कर दिए तो बीजेपी ने बाहर निकाल दिया उनको, दिल्ली की बातें करो ना यार, अच्छा, दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर, हाँ तो उन्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है, अगर कोई आदमी यहाँ पे है, अब नीतीश जी पहले इसमें थे तो उन पर कोई केस नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सब एकदम साफ, अरे भाई साहब क्यों बात कर रहे हैं, कौन से कौन से दिल्ली का मुद्दा, सुन ले केजरीवाल ने यूं कही कोई भी आदमी अगर अगर 10,500 रुपये की मजदूरी कर रहा हूँ अपने बच्चों कसम नहीं खाएगा, यानी कि बच्चों कसम खाऊं ना तो समर्थन लेंगे ना देंगा, मोदी जी ने कितनी बार कसम खाई है भाई साहब, मैं सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसके खाते 15 लाख रुपए आगे बता दो मुझे आप, मोदी जी ने यह कहा था कि 15 लाख रुपए केस है, झूठ बोल जाए और बोल रहे हैं, तो मोदी जी ऐसे झूठ बोल के देश चलाएंगे क्या, जब आप चला सकते हैं तो दूसरा भी चला सकते हैं, जिस तरह से बोल रहे हो जिस तरह से आप बोल रहे हो, मोदी जी ने 15 लाख दिए, मोदी जी को बोलते हुए दिखाओगे कोई प्रूफ, मैं 15 लाख दूंगा, ये है मोदी जी बोला 15 लाख का, सुनिए 15 लाख रुपए, सुनो सुनो 15 लाख का ये है न्यूज में है 15 लाख देंगे, लेकिन अमित शाह ने ये कहा एक डिबेट प्रोग्राम में कि ये सब नहीं था, जुबानी जुमला था, मोदी ऐसी भेजेगा जेल जो उसके हाथ में करेगा वो, तो क्यों ना करे, तो और भी जाने हैं
अभी तो और भी जाएंगे, इन्हें पता पहले से पहले कहने लगे हैं, यूँ कभी तो ये भी जाएंगे वे भी जाएंगे, परसों लेगा नहीं हम सारे भेज दो एक गैल, आधे घंटा टाइम दे रहा हूँ। अरे उनको यही काम रहेगा तुझे पकड़ने का, आधे घंटा क्यों दे रहा? किसी न्यायपालिका ने अभी तक किसी को साबित किया है? सर ये बताइए आप मुझे, किसी न्यायपालिका ने साबित किया? आप कैसे कह दो चोर? दो साल हो गए सर ट्रायल पे, आपने ट्रायल में क्या किया आपने, जवाब दीजिए मुझे आप। बट आपके दो साल केजरीवाल की क्यों ना दिया? हाँ देता हूँ ना इस्तीफा, ये बताइए आप पहले, चोर तो साबित करो उसको, जब तो इस्तीफा दूंगा मैं। अरे कैसी बात क्या गलत कर बता, मैं कह लूँ मोदी चोर, मैं ये कहता हूँ मोदी उनका इस्तीफा दबाओ आप पहले, मेरे कहने से मैं कहता हूँ मोदी जी चोर हैं, उन पर इस्तीफा दबा दूंगा आप, न्याय कैसे आप कह देंगे भाई? ये बताइए आप मुझे, कोर्ट करेगा ना, कोर्ट ने तो न्यायपालिका ने नहीं बोला। बहुत नजदीक है इलेक्शन दिल्ली का और बहुत तगड़ा घमासान है, जनता कह रही है कि एक पर्व की तरह हम मना रहे हैं, एक तरफ गठबंधन कांग्रेस और आपका आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी है, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बेरोजगारी है दिल्ली में, काम नहीं है तो यहाँ बैठे हैं, जाते हैं सुबह ड्यूटी के लिए, निकलते हैं देखते हैं कहीं काम मिल जाए तो, काम ही नहीं है तो यहाँ बैठ जाते हैं, आगे क्या करें? अब बेरोजगारी के हिसाब से तो सरकार को नहीं होना चाहिए। और महंगाई भी एक मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है जभी तो महंगाई है, जब बेरोजगारी है जभी तो महंगाई है, कहने का मतलब गरीब आदमी के पास में पैसे ही नहीं है कुछ चीज़ खरीदने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। आलम ये बताइए जो आप बता रहे हैं कि मुद्दे हैं बहुत सारे, अभी इलेक्शन का बहुत नज़दीक है, क्या लगता है आपको? देखो इस बार तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही आए, क्योंकि उसने जितना किया है दिल्ली को सुधार, इससे पहले दिल्ली को सुधार इतना किसी ने नहीं किया था, ठीक है, कॉलेज वॉलेज स्कूल पिस्कूल जो भी हैं, सड़कें लाइटें पाइटें दुनिया जगह के, गली गलियों में कैमरे लगाए सुरक्षा के लिए, ये तो केजरीवाल ने किया, ये अच्छा काम किया है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि बस केजरीवाल जीत जाए दिल्ली से, और ये एक चीज़ देगी कि मोदी जब से आया है, जब से कुछ ना कुछ आता ही चला गया, लॉकडाउन नोटबंदी कोरोना ये लो वो लो ये लो, इसके टाइम में पहले सब्सिडी भी चलती थी गैस की, चलो 500-600 रुपये सिलेंडर आ रहा, 150-200 रुपये चले जा रहे थे अकाउंट में, कुछ तो बचा, वो तो बंद है 2020 से, मार्च 2020 से सब्सिडी आज तक बंद है, वो तो बंद कर दी, तो वो करी तो इन्हीं लोगों ने करी, बाहर के कोई आगे तो करके नहीं गया है, तो इसमें लॉस किसका है भाई? आम पब्लिक का ही है। जैसे भी जाओ अभी लेडीज़ फ्री कर दी, लेडीज़ फ्री जो तुमने की है किस हिसाब से फ्री कर दी, इतना पैसा कहाँ से आ रहा? वो पैसा अगर सही चीज़ में लगाई जाए तो वो बेहतर रहेगा ना, आज के टाइम में सब काम कर रहे हैं, 5-10 रुपये टिकट दे के कोई भी जा सकता है, लेडीज़ फ्री करके तो तुम बुजुर्गों को भी फ्री करो, हैं जो एजिड है वही उसका तो टिकट मतलब कम से कम, तुम लेडीज चलो फ्री कर दियो तो उसको भी बख्शो ना, बूढ़ा हो जाता है उसके पास 10-20 रुपये कैसे कैसे उसके बच्चे उसको देते हैं, कैसे गुजारा करता होगा, नहीं करता होगा तो ऊपर वाले बेहतर जाने, लेकिन ये है कि अब इस बार मोदी चाहिए नहीं कि भाई बदलाव चाहिए, जनता की जुबा पे है बदलाव चाहिए, और अब की बार हम बदलाव चाहते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं आपको, पल पल की खबर दे रहे हैं, और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर और भी मौजूद हैं हमारे साथ में, इनसे हम पूछना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम SP बड़ोला है और मैं विकास के नाम पे वोट देना चाहूँगा। जी बिल्कुल बताइए। क्योंकि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री ने कार्य किया आज तक किसी ने नहीं किया, धारा 370 हो गई और मुस्लिम महिलाओं का जो तलाक का केस था वो हो गया, सबसे बड़ी बात हमें जो राशन 5 साल से मिल रही है, और आयुष्मान कार्ड सिर्फ दिल्ली में नहीं है बाकी सारे हिंदुस्तान में है, उसके अलावा हाईवे मेट्रो वगैरह वगैरह। क्या एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको, रोका क्या कह रहे हैं? मोदी ने तो कह के रखा था कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है, अभी के टाइम में कोई भी गरीबी जा रहा है तो कौन उसको 5 लाख रुपए का इलाज कोई कर रहा है? हाँ, मैंने भी ये खबर देखी थी, मैंने एक खबर देखी थी, 5 लाख रुपए का कोई तो मैटर ही नहीं है कि किसी में चले जाओ, जो बोल रहे कि चलो भाई इसी में चले जाओ, अगर इसे हॉस्पिटल में गए चलो 5 लाख रुपए का इलाज कोई करेगा, वो बंदा मरते हैं मगर कहाँ पर है हमारे आयुष्मान कार्ड से लाजपत नगर में हार्ट का ऑपरेशन हुआ, UP के थे वो, अभी मेरी 2 नंबर गली में है लेडीज़, यहाँ नहीं हुआ बतराओ 11 में कहीं, लेकिन वहाँ है आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है, ये कह रहा है आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है, इलाज बताओ यहाँ दिल्ली में कहाँ हो रहा है, दिल्ली में किसका हो रहा है यूँ बताओ ना। तो आप ये बताइए ना कैसे, मैं एक बात बताता हूँ, जिसको हम वोट देना चाहते हैं, जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे लिए करेगा,
उसको हम वोट देंगे, जो हमारे लिए नहीं करेगा उसको वोट क्यों देंगे हम, जो भ्रष्टाचार फैलाएगा उसको वोट क्यों देंगे हम, आप उसका जवाब दीजिए मेरे को, बताइए। देखो नौकरी और ये जो सरकारी जो चल रही है नेतानगरी, ये अभी के टाइम पे चल रही है हिंदू मुसलमान, जब आजादी से पहले सब नहीं, जब आजादी नहीं हुई आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि जो अभी ज्यादा चल रही है हिंदू मुस्लिम हर जगह, हम लोग 12 गांव के जिम्मेदार थे किसी जमाने में, आज भी, और 99.5 समझो कि हिंदू भाई बसाए गए हैं, और पानी पिलाने के लिए सिर्फ 145 बीघा उनको ला के बसाया गया पानी हिंदू भाई को पिलाने के लिए, आज वो इतना नफरत घोल दिया है कि हम लोग का फैसला जो कर देते थे, जो कि वो लोग हमको फूंक देते उड़ जाते, जिस जगह हमारे लोग की जिम्मेदारी थी हम लोग उन्हें बसाया, और आज में इतनी नफरत इनने पैदा कर दिया कि जिसकी कोई हद नहीं, हम लोग मिलके रहते थे और खाना उनकी शादियों में, इसमें नफरत का जो जहर घुला है धर्म के नाम पे, क्या कहें वो बहुत ही गलत है, गलत बोल रहे हैं भाई साहब। मेरे एक फ्रेंड है, वो मैं हिंदू हूँ वो मोमडन है, हम साथ में खाते हैं साथ में रहते हैं, हमारे में भेदभाव तो नहीं है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हम भेदभाव कर रहे हैं या हिंदू भेदभाव या बीजेपी? मेरी एक बात बताइए, मैं अपने गांव के बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेदार की बात बता रहा हूँ, मैं सारा प्रूफ देंगे, और ज़्यादा दूर नहीं, ये संगम बिहार में है, हम लोग कितने बचपन से एक ही जगह पर रह करके सारा बैठ करके एक ही जगह, औरत मर्द को इतनी नफरत घोल दिया है, क्या है इसमें? कोई नफरत नहीं है लोगों की, दिमाग सामने, आपके सामने कह रहे हैं ये, कि हमारी ये मोहब्बत थी कि एक चादर में हम लोग बैठते थे, आपके सामने कह रहे हैं ये एक चीज बताइए आप मेरे को, चार बंदे थे, चारों के अब आप मैं हो गया या कोई और हो, किसी ने कहीं शिफ्ट हो गया, किसी ने कहीं शिफ्ट, उसका मतलब चादर चेंज हो जाना होता है, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि चार लोग हैं, एक आसाम में शिफ्ट हो गया, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, एक चेन्नई में, उसके बाद चादर चेंज हो जाते हैं, मेरे को तो ये लगता है शिफ्टिंग वाला मैटर अलग है, मोहब्बत ये बता, इनका कहना ये था कि प्यार, पहले प्यार ये था, इनका कहना ये है कि पहले प्यार ये था कि सब धर्म के लोग एक जगह बैठ जाते थे, अभी भी वही है, लेकिन लोगों की सोच छोटी है, ये कह रहे हैं कि अभी भी वही है, हाँ लेकिन सोच कह रहे हैं सर, ये 100 के 100 कलर मैं चलूंगा, अभी चल करके इसी वक्त दिखाऊंगा, ये जितना कह रहे हैं पॉलिसी, इनको पैसा मिलता है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, मैं अभी इसी वक्त चलेंगे, मैं तो मजदूरी करके यहाँ पे, आप देख रहे हैं प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, देखते रहिए घमासान, आज मैं संगम बिहार में मौजूद था, यहाँ पर मैंने जनता की ओपिनियन जानी, और यहाँ देखा आपने भीड़ कितनी उग्र हो चुकी थी, और हर कोई, कोई बीजेपी का समर्थन और कोई आम आदमी पार्टी का, अभी मैं से बात कर रहा था तो यहां धर्म का मुद्दा आया, धर्म का मुद्दा यह था कि पहले यह मोहब्बत थी कि चारों भाई एक जगह बैठते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज इतनी नफरत घोल चुकी है हमारे दिलों में कि हम एक जगह इकट्ठा नहीं बैठ सकते, यह बात हम जान रहे हैं, अभी हमारा मुद्दा चल रहा था किस्सा कुर्सी का, देखते रहिए आप न्यूज़ बड़ इंडिया।